in Atlanta. Two to the V in the family. Credit cards and scammers. Hitting the licks in the valley. Hi guys. फाइनली आज आपका भाई पूरे दो दिन बाद बेस पे ऑन आता है और देखता है कि आपके भाई का बेस रेड हो चुका है, जो कि इस कमबख्त भाई ने बेस को रेड कर दिया, जिसका नाम चाइनीज शार्क करके। और देख सकते हो जिस बंदे के पास आई थिंक ग्लाइडर है कि नहीं है भाई, बहुत सारी चीज़ें इसने ले रखी, मुझे लग रहा है ग्लाइडर तो होना चाहिए। है गाइज, इसके पास ग्लाइडर है और एक मोटो। ओ भाई साहब, अचीवमेंट तो भाई इसने भर भर के ले रखे हैं। कोई ना गाइज, जो भी हो, इसने अपने मेन बेस पर तो रेड नहीं करा था और आपका भाई यार दिखाने वाला है अपना मेन बेस भी, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे इनके भाई आप अपना मेन बेस दिखाओ कैसा बना है। तो चलो मैं वो थोड़ा दिखाता हूँ गाइज, जो आपको गेस करना है गाइज कि मतलब वो मैंने उस बेस की वीडियो पहले भी डाल रखी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक, और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एथलीट मेरे को बोलता है इनके भाई देखो ना, उस बंदे ने रेड करा अपने सारे कार्स की आधी कर दी, मतलब कार हमने पूरी बना के रखी थी, उसके टायर्स वगैरह उस बंदे ने तोड़ डाले। पहले रुको भाई, मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। ये देखो भाई उस बंदे ने क्या करा, अपने कार सारे जितने भी कार पड़े हुए थे ना भाई, सबको खटारा कर दिया भाई। मतलब ये देखो कार की टायर्स वगैरह उसने फोड़ दी, और अब इस कार को रिपेयर करने के लिए गए, जब हमें अच्छी खासी स्टील वगैरह लगेगी, जो कि फ़िलहाल अभी तो हम रिपेयर इसको नहीं करने वाले हैं, इसी तरह छोड़ देंगे। और मैं आपको अपना बेस दिखाऊंगा इस, तो यही है अपना छोटा सा प्यारा सा घर जिसको आप बोल सकते हो, जिसमें तीन कैबिनेट है गाइज। मैं एक आपको ऑप्शन बताता हूँ, इसमें तीन फ्लोर है गाइज, ठीक है, तीन फ्लोर से ऊपर भी हमने बना रखे हैं। ओ भाई ये रहा एथलीट का कार, सही है भाई, मस्त कार बनाया है लेकिन बंदे ने, देख रहे हो, मतलब महंगे वाले इसमें जो पहिए है गाइज वो बहुत ही महंगे वाले लगा रखा है। ओ भाई ये क्या कलर का ग्लिच है क्या, आई थिंक कलर का ग्लिच नहीं हुआ है। अच्छा मैं क्या कर रहा था ना, जैसे कि मतलब इसने छः बॉक्सेज लगा रखे, तो इसने क्या करा होगा, बॉक्सेज पहले ही कार को कलर कर दिया होगा, उसके बाद इसने शायद बॉक्सेज लगाए होंगे, तो इसीलिए कलर नहीं आया बॉक्स के ऊपर। और ये रहा अपना जो भी घर है गाइज, और यहाँ पे एथलीट क्या दिखा रहा है भाई, कैबिनेट है आई थिंक, हाँ यहाँ पे ये अपनी कैबिनेट वगैरह दिखा रहा है मेरे को। भाई इतना बड़ा बाउंड्री कौन करता है यार, इसने अच्छा खासा मतलब जगह घेर दिया गाइज इसने, तो मतलब इतनी बड़ी बाउंड्री, मतलब इस छोटे से बेस के लिए इतनी बड़ी बाउंड्री भाई बहुत ज़्यादा हो गई मेरे हिसाब से। ये थोड़ी छोटी भी बाउंड्री रखता ना तो काम चल जाना था अपना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला था, लेकिन फ़िलहाल इसने अच्छी काफ़ी बड़ी बाउंड्री रखती है। और ये तो अपनी टीसी है, और ये देखो भाई अपना बेस कैसा है फिलहाल, इस पर स्किन तो नहीं है, जब हम इसको फुल अपग्रेड कर देंगे ना तो स्किन आएगी। और अभी फ़िलहाल हालत ये है गाइज कि अपने जो हम लोग जो सर्वर खेल रहे हैं इसमें फार्मिंग बहुत ही कम हो रही है, मतलब सस्ती वाली फार्मिंग हो रही है, जिसके कारण अभी तक इसका केवल एक ही एरिया है जो कि मतलब स्टोन हो पाया, आप देख सकते हो, बाकी इसके दो भाग अभी भी बचे हुए स्टोन होने के लिए, एक भाग और है जो कि थोड़ा स्टोन हुआ एक साइड से, और एक साइड अभी करना बाकी, मतलब इसमें करीब करीब नहीं भी तो 3 से 3 लाख के आसपास स्टोन लगेंगे गाइज इस पूरे बेस को अपग्रेड करने में स्टोन में, ठीक है। और उसके बाद आप मान सकते हो 3 लाख स्टोन लगेंगे गाइज, तो 2.5 लाख के आसपास आयरन भी लग ही जाएंगे, मतलब इस बेस को अगर आपने फुल आयरन में मतलब कर दिया ना गाइज, तो मतलब क्या है बोलूँ यार, एकदम तगड़ी वाली बेस होने वाली। ये देखो गाइज हमारा टीसी है, इसके अंदर है जो भी वो भी ग्लिच हुआ पड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको ग्लिच नहीं बोल सकते, इसको हमने दीवार के पीछे से मतलब छुपा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने टीसी के अंदर क्या है भाई, 1000 से ऊपर क्या है भाई, स्टील है यार, और मेरे को लगा गाइस टाइटेनियम है। और इसी केवल इसी एरिया को इस टीसी से अगर हम अपग्रेड करते तो 1,13,000 के आसपास मतलब स्टोन लग जाएगी, मतलब अच्छा काफ़ी लग रहा है भाई ये स्टोन तो इसमें, मतलब इस तरह का अगर आप बेस बनाते हो गाइस तो मतलब आपको फार्मिंग अच्छी रखनी पड़ेगी। और हाँ ये एस्कॉर्ट के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप लीजन हो ना तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। और इसमें फाइटिंग एरिया भी अच्छी खासी है, मतलब आप इजीली फाइटिंग कर सकते हो। और देखो ये जो चारों तरफ से हमने विंडो भी दे रखा है, ये जो इधर से जो रास्ता गया है वो ऊपर छत पर जा सकता है, मतलब इसमें इतनी तरह से हमने मतलब आने जाने का रास्ता भी बना रखा है गाइस कि मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो कि मतलब अगर कोई बंदा अपने पर रेड करे तो ईजिली आप अंदर बाहर जा सको। और देखो अब दिन हो चुकी है, मैं आपको अपना पूरा बेस दिखाता हूँ दिन में, भाई काफ़ी ओपी लग रहा है यार, सही में यार मस्त लग रहा है देखने में इस तरह। लेकिन अपनी कार फूट चुकी है, जो उसको मतलब क्या ही बोलूँ यार, मतलब आधी कर दी बंदे लोगों ने कार को फोड़ फोड़ के, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसकी टूट गई गाइस, पहिए वगैरह। और मैं बताऊँगा इस दो दिन में क्यों नहीं ऑन आ पाया, तो भाई
देखा भाई यूट्यूब का इनकम बढ़ गया तो क्यों ना पार्टी शार्टी किया जाए, तो पार्टी एक दिन पार्टी में करा गया। इससे उसके बाद सोया कि दो दिन तक लगातार सो गया। उसके बाद जब दूसरे दिन उठता हूँ भाई तो मुझे पता चलता है कि हमने जो रखा था गाइस कि मतलब 10 लगातार रिडीम कोड देंगे वो देंगे कहाँ तक गाइस कि मतलब जब तक क्रिसमस ना आ जाए। तो हो सकता है गाइस आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन क्रिसमस भी हो, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और बढ़ा दी जाए टाइम। और मैं अभी फ़िलहाल इसको मतलब 1 जनवरी तक लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर से कमेंट में बता देना कि मतलब ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाइस कि जिनको रिडीम कोड नहीं मिला होगा यार। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि भाई 10 ही लोगों के लिए मैंने रिडीम कोड बनाया था, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ $100 और मैं लगाऊँ इस पर, और वो काफ़ी है भाई। मतलब अपनी तो यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम आ रही है, देखो मैं झूठ नहीं बोलने वाला। तो मैं सोचा क्यों ना मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो कि बोलते हैं इनके भाई मतलब कि मेरे को रिडीम कोड चाहिए और मेरे को बैटल पास वगैरह लेना है, तो बैटल पास के लिए गए आपको कम से कम $5 की करने पड़ेंगे, ठीक है, तो जाके आपको बैटल पास मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, तो $100 के टोटल 20 रिडीम कोड और मैं रिलीज करूँगा, ठीक है, अपने और से, तो उसमें से भी बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा। लेकिन यार मेरे को से एक बात और बताऊँ कि मेरे को अभी तक कमेंट में ये नहीं पता चला भाई किस बंदे को मिल रहा है, जो उस बंदे को मिल रहा है उससे वो कमेंट ही नहीं कर रहा गाइस कि हाँ इनके भाई मेरे को मिला है या कुछ भी, यार कुछ भी नहीं बोल रहा वो। तो इसके लिए भाई मुझे बहुत मतलब ख़राब लग रहा है यार, बताना चाहिए भाई बंदे को, तब तो मुझे पता चलेगा ना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है गाइस की जिससे आपको पता चल सके कि आपका रिडीम कोड कौन यूज कर रहा है या क्या कर रहा है। इससे होना चाहिए ना कि हाँ इस रिडीम कोड को अगर हम डालें तो पता चल जाए कि हाँ किस ईमेल आईडी पे वो रिडीम कोड यूज हुई है, तो मतलब चलो पता तो चल जाएगा हाँ भाई ये बंदे को मिला। ओ भाई सामने एक बंदा आ गया, सिट सिट सिट, ओके चलो यहाँ पे 02 भाई ने इसको सल्टा दिया है। यहाँ पे मामला आप देख सकते हो, इसके पास इससे गन भी मिल चुकी होगी शायद, इसके पास भी गन था क्योंकि वो उधर से फाइटिंग कर रहा था। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि रैंक सर्वर में आपके गन्स नहीं गिरते हैं, ठीक है, अगर वो AR गन्स है जैसे AKM है, M4 है, M7C2 वगैरह है, तो ये सारे गिर जाते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे गन्स होते हैं ना SMG टाइप के जिसमें आपकी 9mm की बुलेट्स लगती, तो वो जल्दी नहीं गिरते। फार्मस, UG, SMG ये सारी गन्स नहीं गिरती है। तो उस बंदे के पास शायद फार्मस थी गाइज, मुझे इस पर शक हुआ गाइज कि ये कोई नेमी तो नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने चारों तरफ नहीं लगाया विंडो, तो फिर इसका नाम में देखा तो लगा ओ भाई चलो ये अपना ही बंदा है, साथ में खेलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग बोलते हैं इनके भाई साथ खेलाओ, लेकिन यहाँ पे होता ही क्या गाइज मैं बताऊँ, मतलब बंदे साथ तो आ जाते लेकिन फिर वो फार्मिंग वगैरह कुछ करते ही नहीं है, बस वक्त की आके सिर्फ बेस में सो जाते हैं यार। तो यार ऐसे बंदे को साथ खिला के क्या फ़ायदा, आपको थोड़ी सी तो फार्मिंग करनी ही पड़ेगी ना यार, कि मतलब आप जब अपना भी बेस बना के खेलोगे तो उसमें भी फार्मिंग करके आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो गाइस अपना छोटा सा ही बेस है गाइस, मतलब इतना भी मतलब बड़ा नहीं बनाया हमने कि मतलब ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा सामान वगैरह लग जाए। आप लोग मेरे को एक चीज़ ज़रूर से बताना गाइस कि मतलब मैं जैसे सोच रहा हूँ कि 20 रिडीम कोड और मैं बनाऊँ वो भी $5 के, जो कि आपको इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करोगे तो मतलब वो कितने हो जाएंगे यार, मतलब 400 कुछ करके होंगे आई थिंक, मुझे लग रहा है 73 या 76 को आप मतलब कन्वर्ट कर देना। और एक दो बंदे जो कि व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज किए थे गाइस, वो बोल रहे थे इनके भाई रिडीम कोड रिडीम तो हो गया लेकिन ये मतलब कुछ डॉलर वगैरह करके आ रहा, तो यार उसके लिए आप ये मत करो कि मतलब डॉलर वगैरह वो मतलब आपको डॉलर रहे चाहे जो भी रहे, आप मतलब बस रिडीम करोगे तो वो आपकी ईमेल आईडी पे ठीक वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप जैसे अगर इंडिया के हो तो अगर आप इंडिया के बाहर से हो और मेरे वीडियो को देखते हो तो हो सकता है कि आपको वो मतलब रिडीम भी ना हो या वो मतलब कंट्री के लिए एलिजिबल ना बताए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक पाकिस्तानी भाई को मतलब मिला था तो वो बोल रहे थे इनके भाई मतलब मैंने रिडीम करने का ऑप्शन किया तो मतलब वो कुछ कंट्री के लिए कुछ इशू वगैरह बता रहा था कि मतलब कंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है या कुछ इस तरह करके, तो हो सकता है मतलब मैं इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है मुझे, तो अगर आपके पास वैसा है गाइस तो आप मतलब वो रिडीम कोड इस इंडियन बंदे से रिडीम करवा दो या फिर मतलब जो भी जिससे भी हो सकता है, क्योंकि मतलब एक दो बंदे तो देखते नहीं गाइस, बहुत सारे बंदे देखते हैं तो मुझे भी नहीं पता होता कि किस बंदे के पास जा रहा है या नहीं, क्योंकि उसमें से ऐसे तो होंगे बहुत सारे बंदे होंगे जो कि ट्राई करते होंगे रिडीम करने की, और कितने सारे बंदे जो शुरू में मिल जाता होगा जो भी अगर इंडिया के होंगे तो उन्हें मिल ही जाता होगा यार, और जो इंडिया के बाहर से देखते होंगे तो उनको मिल पाना मुश्किल है गाइस।
तो उसके लिए सॉरी यार, मुझे नहीं पता कि मतलब इंडिया के अगर आप बाहर से हो तो मतलब किस तरह आप रिडीम करोगे उसको। तो यार मैं मतलब जब $5 जैसे मैं बोल रहा हूँ ना गाइस, $100, तो जब मैं उसका रिडीम कोड भी बनवाता हूँ तो वो क्या होता है कि मतलब वो रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और मुझे उसे भेजने भी होते हैं वो $100 को, जैसे 73 ना 76 से मल्टीप्लाई करके वो मेरे को बताता है, क्योंकि मेरे को खुद से रिडीम कोड बनाने भी सही से नहीं आता यार, बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी रिडीम कोड बनाता हूँ तो पैसे कट जाते हैं और फिर रिडीम कोड भी नहीं बनते, तो इसीलिए मैं खुद से नहीं बनाता, एक मेरा दोस्त है वही बना के देता है मेरे को, और मैं उसी से बनवा के फिर मतलब YouTube पे एक एक करके डालते चला जाता हूँ। तो इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगी गाइस रिडीम कोड, आप लोग रिडीम कर लेना, और जिस भाई को मिले यार जरूर से मेरे को बता देना यार। ओ भाई ये जम्मू मेरे को बहुत ही गंदा पीट रहा है गाइस, आप देख सकते हो। और हाँ गाइस, आज की वीडियो में गाइस मैं एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, न्यूक्लियर के अंदर बहुत से ऐसे नए लोग हैं गाइस जो कि न्यूक्लियर के अंदर जो अंडरग्राउंड में जो होते हैं ना रूम, उसे नहीं करते। तो चलो गाइस मैं उसका एक बहुत ही सिंपल सा मतलब ट्रिक बताऊँगा कि आप मतलब किधर से जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा, किधर से जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियर में जाने का मतलब दो तरफ से रास्ता है गाइस, मतलब दो तरफ से नहीं ज़्यादा ही रास्ता है, लेकिन आपको दो ही रास्ते जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड होंगे या मुश्किल होंगे, तो मतलब मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। पहले मैं यहाँ पे लूट लेता हूँ यार क्या क्या सामान है, उसके बाद हम न्यूक्लियर चलेंगे गाइस। यहाँ पे देख सकते हो पूरा रूम अभी भरा पड़ा है गाइस, मतलब बंदे ने अभी लूटा नहीं है, तो अभी इस मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए, लूट लेना चाहिए इसको। और ऊपर एक पर्पल रूम भी होगा उसको भी लूट लेंगे। अरे और ये जोम्बी मेरे को बहुत गंदा लगता है, आपको इसमें से कौन सा जोम्बी ज़्यादा पसंद है गाइस, रेड वाला या फिर ये वाइट वाला या फिर एक और जो होता है ना बिल्डर इन्फेक्टेड वो वाला, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा देखने में अच्छा गाइस रेड वाला लगता है, ठीक है। लेकिन वो डैमेज बहुत गंदा देता है, मतलब आप दूर में भी रहोगे ना तो वो छोड़ेगा नहीं, वहाँ ही देता है मतलब डैमेज दे ही देगा। एक जो बिल्डर इन्फेक्टेड है वो थोड़ा सा डैमेज कम देता है, तो वो थोड़ा मेरे को ठीक लगता है मेरी एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो मेरे को डैमेज बहुत ही कम दिया है आज तक, इसीलिए वो मेरे को ठीक लगता है। और एक ट्रिक है गाइस यहाँ पे, जैसे कि अगर आपके पास कार्ड ना हो पर्पल कार्ड तो भी आप यहाँ अगर रूम कर सकते हो, जिससे कुछ आपको एमओ चेस्ट वगैरह फ्री में मिल जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे देखो 02 भाई ने यहाँ पे डाल दिया वायर, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ फ्री के एमओ चेस्ट। आपके पास सिर्फ वायर होने चाहिए, ठीक है, और आप यहाँ के जैसे ये इन सप्लाई चेस्ट को भी लूट सकते हो। देखो ये हो गया आपके फ्री के, ठीक है। ये तो भाई इसको भगाओ पहले कार्ड, भाई मेरे पास तलवार है देख रहे हो, एकदम धांसू वाला तलवार, जो टकराएगा वो कट पट जाएगा। एक मैचेट और मेरे को मिल गई, मैचेट की ये वाली स्किन तो मेरे को काफ़ी ओपी लगी थी यार देखने में, लेकिन भाई हाथ में लेता हूँ ना पता नहीं चलता उतना अच्छे से। एक और ये बाहर में क्या कर रहा भाई, ये फर्नेस मेरे को लगा शुरू में भाई लार्ज फर्नेस में किया यार, ये भी गेम वाले यार मैं क्या ही उम्मीद कर बैठा भाई कि लार्ज फर्नेस बाहर। ओ भाई साहब देख रहे हो क्या मिला गाई, देखो यार मतलब एक राइफल जो होती है ना मतलब तगड़ी वाली मशीन गन वगैरह बनाने के लिए, एक मेरे को कुछ बैरल मिला है, या फिर रॉकेट लॉन्चर वगैरह भी बना सकते, लॉन्चर बोल सकते यार शायद इसको, हाँ शायद लॉन्चर बोल सकते हैं। यहाँ पे और भी जैसे शॉटगन बैरल है, तो ये सारी चीज़ें मतलब कुछ खास मेरे को लगी नहीं, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया फिलहाल, क्योंकि अंदर का रूम करते गए यहाँ पे शायद कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी अपने को, तो पहले मैं वो लेने वाला हूँ, देखता हूँ यहाँ पे। ओ भाई एडवांस है वो चीज़ भी है, चलो पहले इसको तोड़ता हूँ क्या है भाई। ओके भाई साहब पहले जल्दी जल्दी तोड़ दूँ यार, मिशन जो हो जाएंगे पूरे लेवल देख रहे हो 9 लेवल हो रखे हैं आपके भाई के, तो जल्दी जल्दी मैंने इसलिए तोड़ दिया गाइस की मतलब 02 भाई अभी तोड़ेंगे तो ये उनके पास पॉइंट सारे चले जाते, तो मैं सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी तोड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। पहले इस रूम में ना गाइस रेडिएशन होता था, अब नहीं होता, ठीक है। रेडिएशन पहले मतलब मास्क पहन के भी रखते थे ना, तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पे देख सकते 02 भाई का बैग अभी खाली है, तो वो सारे सामान को उठाते जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मतलब मेरे पास तो अभी बैग फुल हो चुका था, तो मैंने बहुत सारे सामान छोड़ भी दिए यहाँ पे। और काफ़ी मतलब क्या ही बोलूँ यार, सब जगह हरियाली छाई हुई है यार, कुछ ज़्यादा ही हरियाली यहाँ पे छाई हुई है। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा बायो रूम भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास अगर पर्पल कार्ड ना हो गाइस तो आप इजीली मतलब एक एमओ चेस्ट टू लूट ही लग सकते हो फ्री वाले, ठीक है। और अगर आपके पास ग्रीन रूम है तो वहाँ से भी एक एमओ चेस्ट लूट सकते हो, मतलब यहाँ पे भी 2-3 एमओ चेस्ट आपको लगभग मिल जाते फ्री में। ये कार किसकी पड़ी है यार, मतलब हरी कलर की कार है भाई, इतनी अच्छी कार किसी ने फोड़ दी है, हो सकता है मेरे को लग रहा ना भाई ड्रॉप पे बंदे के फाइट हुई होगी तो फिर वहीं पे ये कार मतलब टूट फूट गई होगी। चलो गाइस अभी हम सीधा यहाँ से निकलते हैं, पहले मैं थोड़ी सी डिसमेंटल वगैरह यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे एक सप्लाई चेस्ट भी होगा, ये रहा,
यहाँ पे मैं डिसमेंटल होकर के अभी सीधा बाहर जाने वाला हूँ भाई। तो अभी मैं देखूँ भाई, अच्छा खासा सामान ऐसे आपके भाई को मिल चुका है। ये मास्क वास्क की ज़रूरत नहीं, बैग सिर्फ भरा पड़ा है, तो इसकी अभी फ़िलहाल तो अपने को ज़रूरत है नहीं गई। तो अब आपका भाई सीधा भी न्यूक्लियर जाने वाला था, तभी यहाँ पे देख सकते हो आपको भाई को सामने एक जिप्सी दिख चुकी है। तो पहले यहाँ पे एक एमो चेस्ट नहीं भाई, सप्लाई चेस्ट, या फिर आप इसको कोई छोटा सा क्या नाम है भाई, मैं भूल गया, टूल बॉक्स, हाँ टूल बॉक्स है गाइस, जिसको मतलब तोड़ने से आपको 5 स्पेयर्स और एक कुल्हाड़ी वगैरह या फिर मैचेटी या फिर किचन नाइफ वगैरह मिलती। तो फिलहाल तो एक कुल्हाड़ी थी इसमें जो कि आयरन की थी और वो अपने किसी काम की नहीं थी फिलहाल के लिए, तो मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पे। अभी हम सीधा न्यूक्लियर चलते गए, जो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पर जो रूम है ना गाइस, मतलब वहाँ पे सामान अच्छे खासे मिल जाते हैं अगर वहाँ पर्पल रूम हुआ तो। कभी कभी नीचे में क्या होता है गाइस कि आपको दो दो ब्लू रूम मिल जाएंगे या फिर दो दो ग्रीन रूम भी मिल जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो भाई अभी पहले ऊपर का रूम इसका लूट लेते हैं, ऊपर में पहले देख लेते कौन सा रूम है, तो पता चल जाएगा नीचे कौन कौन सा रूम है भाई। अगर ऊपर ब्लू रूम हुआ तो नीचे ग्रीन रूम ही होगा यार, अगर ऊपर ग्रीन रहता ना तो फिर मतलब पहले देखते हैं गाइस ऊपर कौन सा है। यहाँ अंदर में कुछ है, हाँ सप्लाई चेस्ट है, मुझे लगा नहीं होगा लेकिन है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा इस गेम में कि मतलब कि जैसे कि सिप पे कोई बंदा ना गया हो और उस समय बहुत सारे बंदे वहाँ पे रहते गए, और कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है सिप पे बहुत सारे बंदे आएंगे लेकिन वहाँ पे एक भी बंदा नहीं होता है, आप ईजिली मतलब उस सिप को लूट के आ जाते हो। मतलब मैं एक सही बात बताऊँ यार, तो ये गेम थोड़ा सा इसलिए मेरे को और अच्छा लगता है कि मतलब जो भी आप प्रेडिक्शन करते हो ना कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा होगा, फिर ऐसा बेस हम बनाएंगे, ऐसा डिजाइन बनाएंगे। अब जो मैं अपने आप को बताऊँगा तो मैं जैसा भी बेस डिज़ाइन एक बार बनाता हूँ तो फिर मैं जब उसी बेस डिज़ाइन को दोबारा बनाने की ट्राई करता हूँ यार, तो कहीं ना कहीं से वो अलग हो जाता है। अब फिर जैसे मैं सोचता हूँ यार कि यहाँ पे बंदे नहीं होगा, आराम से फार्मिंग करेंगे, तो वहीं पे मेरे को बंदे से किल हो जाता है, वहीं पे मेरे को भागना पड़ जाता है भाई, अपनी फार्मिंग बचाओगे क्योंकि उससे फाइट करना तो बेकार ही होगा भाई जी। या तो अगर जब वो बंदा एकदम देख लेता भाई कि आप ये मारे बिना छोड़ेगा नहीं, तब फिर मैं उससे फाइट लेता हूँ यार। इसीलिए मतलब देखते हो भाई, मतलब जब भी मैं मतलब सोचता हूँ यार कि यहाँ पे बंदे होंगे बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो अकेले भी आओगे तो आप इजीली इस सारे जगह को रोम करके इजीली आप फार्मिंग करके जा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अच्छे खासे ऑयल मिल जाते हैं भाई न्यूक्लियर में, और लोग ऑयल के लिए जाते हैं गाइस ऑयल वेस्ट वहाँ पे। तो भाई एक रहता है भाई चाकू वाला, बहुत ही गंदा मारता है भाई, क्या ही बोले उसका, मतलब इतना गंदा भाई कोई नहीं मारता है भाई, दौड़ा दौड़ा के मारता है वो तो। उससे बढ़िया तो भाई न्यूक्लियर में आपको ऑयल अच्छे खासे मिल जाते हैं। ये देखो भाई 30 रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, अब सीधा आपका भाई चलता है रूम के लिए, देखता हूँ उस रूम में क्या मिलता है भाई। मुझे दूर से तो लग रहा भाई ग्रीन रूम है, चलो देख ही लेते क्या है भाई, ग्रीन है ना ब्लू है देखने में तो भाई, ओ भाई ब्लू रूम है भाई, मुझे दूर से देखने में लग रहा था यार कि ग्रीन है लेकिन ये तो लग रहा भाई ब्लू है। चलो भाई ऊपर चल गए, ये देख, अरे ग्रीन ही तो है भाई, मेरे को ब्लू कहाँ से दिखने लगा भाई। यहाँ पर मैंने बोला ना गाइस मतलब कुछ कलर का मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। एक चीज़ और होता था गाइस, पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि मतलब जैसे आपको बंदे लोग दूसरे दूसरे कलर के दिखते थे जब आप टीम में रहते थे ना, तो मतलब मैप में वो बंदा दो नंबर है अगर ग्रीन है तो वो मैप में मतलब ब्लू दिख रहा है या फिर येल्लो दिख रहा है, इस तरह होता था मतलब पहले। अभी तो लेकिन ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम दूर हो गई है। और भाई अपनी जिप्सम भी ऑयल भरी पड़े एक तरफ, तो और यहाँ पे लूट मिलती है आपको थोड़ी सी बताऊँ, यहाँ इधर इस साइड जिधर पटी आपको डिसमेंटल मशीन होता है, तो ये देख लो भाई इधर से हमें क्या लूट मिलेगी यार, कुछ खास नहीं मिल सकती इधर से, इतना भी उम्मीद मत कर लो भाई। हाँ कभी कभी आपको एमो चेस्ट मिल जाता है लेकिन मतलब वो भी कभी कभी। ये जो टूटे फूटे वेयर हाउसेज है ना गाइस, जिसमें मतलब अधिकतर आपको सप्लाई चेस्ट ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कभी कभी मतलब एमो चेस्ट आपको रखे हुए मिल जाएंगे, वो भी मतलब मुश्किल से, मुझे बताऊँ अगर आप 10 से 20 बार जाओगे तो उसमें से एक बार शायद अगर कोई बंदा ना लूटा हो तो भाई। यहाँ पे आपको डिसमेंटल मशीन होना चाहिए भाई, ये रहा, मुझे लगा भाई किधर चला गया अपना डिसमेंटल मशीन। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फालतू चीज़ें हो गई है गाइस, लेकिन हाँ एक चीज़ है गाइस, आप जब रूम करते हो ना तो आपके पास मतलब जो जैसे आयरन प्लेट हो गया, स्प्रिंग हो गया, पाइप हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत सारी भर भर के हो जाती है, और आप इन सबको भी डिसमेंटल करके इजीली आपको स्टील वगैरह मिल जा रहा है। अभी तो गाइस एक चीज़ और आ गया बोट वेस अपना, जहाँ से आप एक बार अगर बढ़िया से अगर वहाँ पर जाके लूट लेते हो वहीं से आपको 1000 के आसपास आपको स्टील मिल जाता है।
आप लोग मेरे को एक चीज़ बताना गाइस कि जो वुडन की बोट बेस होती है उसमें टोटल कितने बॉक्सेज होते हैं लार्ज वाले, तो आप जल्दी से कमेंट में बताओ गाइस। तब तक लास्ट वीडियो को फर्स्ट शॉर्ट आउट जाता है गाइस गुज्जर गेमर भाई को, और सेकंड शॉर्ट आउट जाता है उज्ज्वल कॉमेडी भाई को, और थर्ड शॉर्ट आउट जाता है टेक्निकल गेमिंग भाई को। टेक्निकल गेमिंग भाई बोल रहे कि इनके भाई एक मतलब सोलो पे वीडियो बनाओ, और तो मैं बताऊँ गाइस कि सोलो पे वीडियो तो नहीं, फिलहाल डुओ पे आने वाली है जो कि आपके बहुत ही फेवरेट यूट्यूबर के साथ में आने वाली है। तो मतलब बहुत सारे बंदों को तो पता चल ही गया होगा, फिलहाल जिनको नहीं पता यार तो उनके लिए सस्पेंस बने रहने दो यार, बने रहने दो ठीक है। तो मैं बाद में बताऊँगा यार, अभी फ़िलहाल यहाँ पे देख सकते हैं 02 भाई यहाँ पे कुछ ऑयल की रिफाइनरी वगैरह कर रहे हैं। ये देखो भाई अच्छे खासे इन्होंने ऑयल, मेरे पास बूट्स पड़े हुए तो मैं एक काम करता हूँ यार इसी में डाल देता हूँ ना, अपने पास रख के क्या फ़ायदा भाई, इसको इसी में डाल देते हैं। ये देखो क्योंकि बूट की कमी तो मतलब है नहीं अपने पास फ़िलहाल। अब यहाँ से तो हमने ऑयल रिफाइनर वगैरह कर लिया है भाई। अब देखो भाई ये जो है ना ये रॉन्ग साइड है गाइस, ये इधर से आप अगर न्यूक्लियर जाते हो तो देखो आपको बहुत तरह से दिक्कत आएगी ठीक है। मेरे को सबसे इजी किधर से लगता है गाइस एकदम फ्रंट साइड से, ये है बैक साइड ठीक है, न्यूक्लियर का एक बैक साइड है, इधर से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और आप उतर जाते हो ग्रुप डी में, और ग्रुप डी से अच्छा है गाइस ग्रुप सी ठीक है। हाँ गाइस मतलब ग्रुप डी मतलब थोड़ा सा बेकार हो जाता है, और जब आप ग्रुप सी में उतरते हो ना तो वो ज़्यादा सही रहता है ठीक है। तो आप ग्रुप सी में उतरा करो क्योंकि ये जो मैप है ना, जो मैप आपको सामने दिखता है वो ग्रुप सी का ही मैप है ठीक है। ये जो डी वाला है मैप ये मतलब गलत है गाइस, हम ग्रुप डी में हैं, मतलब मैप जो ऊपर से जो है ना मतलब सी का है और हम उतरे डी में, मतलब इसको होना क्या चाहिए गाइस कि जिधर से उतरे मैप उसी साइड से बनना चाहिए ना, तो इसमें मैप का कन्फ्यूजन है गाइस, मतलब सी का मैप डाला जगह सब जगह सी का मैप डाले हुए, लेकिन आप अभी उतर गए हो ग्रुप डी में, तो देखो अभी क्या होगा भाई। यहाँ पे एक सप्लाई चेस्ट होता है जिसे इस भाई ने तोड़ दिया है, तो यहाँ पे अपने को चेस्ट वगैरह मिल गई है। अब चलो मैं आपको सी की ओर लेके चलता हूँ, सी किधर से मिलेगा आपको सबसे पहले हमें पूरा सीधा जाके देखता होगा किधर है ठीक है। ए टू डी इधर से हम उतरे ही है, अभी यार मोटू फैटी होगा यार उससे बचना पड़ेगा, इसमें सबसे खतरनाक आपको फैटी होने वाला है। ये रहा गाइस इधर से आप ई में जा सकते हो ठीक है, ये आपका सिंपल से ई में जा सकते हो, लेकिन मेरे को ई में नहीं जाना, सबसे पहले सी को खोजना है। तो इधर से तो आए क्या कर रहा है भाई 02, चल ओके गाइस मुझे लगा 02 उधर ही फंस गया है कोई जॉम्बी वगैरह से तो मैं उधर गया था, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे खतरनाक मेरे को ये मोटू फैटी लगता है। ये देखो यार कहीं और ना फूट के सीधा मुझ पर ही फूटेगा भाई, सही बता रहे हैं। अरे हट जा आगे से भाई, चल निकल भाई जितने भी है ना ज़ॉम्बी चल निकल पहले ही रास्ते में। ओ भाई देख रहे हो क्या ही खतरनाक है भाई, मतलब फैटी सबसे खतरनाक है भाई। ये देखो आपने को ग्रुप सी दिख चुका है गाइस, तो अभी आपको किधर जाना है ना बाएं साइड जाना है गाइस। अगर आप बाएं साइड लेते हो तो आप जहाँ पे सीढ़ी, अरे सीट 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 मोटू फैटी मुझे पे फूट गया, रुको गाइस मैं थोड़ी सी हेल्थ अपनी कर लेता हूँ क्योंकि मोटू फैटी ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया। यहाँ पे देख सकते हो 2-3 बैंडेजेस ही लगाऊंगा हो जाएगा अपना हील के, एक और लगा ही लेते भाई, मतलब कब कभी भी अपना मोटू फैटी है ना आ सकता है अपने पे, मतलब अटैक कर सकता है यार, तो मोटू फैटी से बच के रहने का रे बाबा। यहाँ पे ये रहा अपना ग्रुप सी गाइस ठीक है, और इधर नहीं आना है, इधर भी नहीं, किधर भी नहीं मुड़ना है ठीक है, फिलहाल कहीं भी नहीं मुड़ते। ये रहा हमें जब जिधर से उतरना है गाइस, ये है ग्रुप सी अपना ठीक है। इधर आपको एक छोटा सा सप्लाई चेस्ट तो मिलना चाहिए, मैं एक मिनट देख लेता हूँ है कि नहीं है, पहले इन सबको पहले मार के भगाना होगा यार, मोटू फैटी उधर ही मर गया। फाइनली मोटू फैटी तो यहाँ से किल हो गया है जिसको 02 भाई ने किल कर दिया था, और मेरे पे देख सकते हो थोड़े से डैमेज भी हो चुका हूँ मैं, तो पहले मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ यार, 2-3 बैंडेजेस लगेंगे। ओके अपने पास बैंडेजेस की कमी नहीं है, यहाँ पे एक सप्लाई चेस्ट होना चाहिए शायद, 02 भाई ने लूट लिया, चलो कोई ना गाइस इन्होंने लूट लिया सप्लाई चेस्ट। अब मैं देखा रहा हूँ ये आप देख सकते हो गाइस ये अपना मैप है ठीक है, अब पहला नंबर ये हुआ ठीक है, इसमें ना जाके गाइस आपको ये जो दूसरा नंबर है ना इसको चूज करना है, और आगे अगर आप जाते हो गाइस अगर इधर सीधा जाओगे तो आपको ग्रुप ई मिलेगा। चलो मैं दिखाता हूँ, जैसे ग्रुप डी में नीचे जाने के लिए था ना एकदम सेम टू सेम यहाँ पर मिलेगा, इधर तो ग्रुप बी हो गया, इधर तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता यार, ये रहा ग्रुप ई के लिए। अब चलो मैं आपको सीधा मैप में बताता हूँ यार कि किस तरह होता है ठीक है, मतलब मैं आपको सीधा लेके नहीं जाऊँगा गाइस क्योंकि लेके जाऊँगा तो मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब मैं कैसे लेके आया आपको। ये रहा मैप किधर चला गया यार, नहीं 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 मैप इधर नहीं था, मैप इधर लैडर के पास होता है ठीक है जहाँ पर आप उतरते, तो ये रहा अपना मैप ठीक है गाइस। देखो
हम जो रेड वाला जो दिख रहा ना गाइस पॉइंट, वो हम है ठीक है। अब उसके बगल का ये भाई इधर कुछ तो है नहीं ना यार, अपना सामान वगैरह से नहीं छूटा हुआ है। ओके गाइस अपना मैप ये रहा, आप देख सकते हो ये जो पहला वाला है गाइस, जो कि आपको ऊपर की साइड दिखेगा, देखो जो रेड वाला है ना गाइस, वो हम लोग है ठीक है मैप में। और जो पहली वाली जो ऊपर की साइड जा रही है उसमें ना जाके गाइस आपको सेकेंड वाले में जाना है। चलो मैं आपको मार करके दिखा देता हूँ ये वाली ठीक है, आपको इस लाइन में जाना है ठीक है, सेकेंड वाली लाइन में। तो चलो अभी हम लोग चलते गए। तो ये रहा अपना पहला एरिया जिसको हम छोड़ देंगे, ये रहा अपना दूसरा जहाँ हमें जाना है गाइस। अब इसमें एक साइड आपको जनरेटर मिलेगा गाइस और दूसरी साइड आपको रूम मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन सारे ज़ॉम्बियों को उड़ाना पड़ेगा भाई सुरक्षित जाने के लिए ठीक है। तो इन सारे ज़ॉम्बियों को भी उड़ा देते हैं फिलहाल के लिए। अब ये यार ज़ॉम्बी तो भाई पूरे भरती है भाई, क्या ही बोले इन सब ना, मतलब सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बी गेम वालों ने यहीं पे भरा। ओ भाई इस मोटू से बच के रहना रे बाबा, सबसे ज़्यादा डर भाई इस मोटू से लगता है मेरे को। तो ये रहा ग्रुप सी का जो है जनरेटर, और आपको इसमें मतलब ग्रुप ए शायद तो मतलब मैंने देखा नहीं है ऐसे ग्रुप ए, और इसलिए मतलब मेरे ध्यान में भी नहीं है, है कि नहीं है। लेकिन ग्रुप बी है गाइस, सी है, डी है, ई है ठीक है। तो इसमें दो ही जगह रूम मिलेंगे, एक सी में मिलेंगे एक ई में मिलेंगे। तो सी का ये जो रूम है गाइस ये ग्रीन है भाई, ऊपर भी तो हमने ग्रीन ही लूटा था ना शायद, हाँ गाइस ऊपर भी तो हमने ग्रीन ही लूटा था, मुझे तो लगा था ब्लू है लेकिन ग्रीन लूटा था हमने। यहाँ पे ब्लू होना चाहिए था जो कि आई थिंक अब पर्पल नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लू होता ना तो इजीली हम नीचे पर्पल जाके लूट सकते थे। और ये रहा अपना ग्रुप सी, से पहले मैं ई में जाऊँगा सीधा एकदम। ग्रुप सी से आपको निकल के जिधर से हमने ई की ओर जाते हुए दिखाया था ना भाई, सीधा ई में चले जाना है। देख सकते हो इधर ई किधर गया भाई, ई के लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा भाई। मैं इधर बार बार मतलब ऐसा इसका डिजाइन बना हुआ है ना गाइस, मैं क्या ही बोलूँ यार। अब हमें सीधा एकदम जाना होगा भाई, सीधा एकदम। देखो ग्रुप ई में हमें यहाँ पर लैडर होगी नीचे की ओर जाने के लिए, ये रहा भाई। ग्रुप डी में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई, ये रहा हमारा ई। ई सबसे ज़्यादा ईजी है गाइस अगर सही बताऊँ तो यार, मतलब इसलिए ईजी लगता है गाइस क्योंकि इसमें है ना मतलब एक बीच में आपको जनरेटर जो कि ईजीली दिख जाती है। सी के जैसे ही यहाँ पे आपको ज़ॉम्बी वगैरह तो भाई सब में मिलेंगे, इसमें नहीं है, इसमें ये रहा जनरेटर, इस जनरेटर में मैं कितने वायर डालूँ, 30-40 वायर शायद ठीक ही रहेंगे, 30 नहीं नहीं थोड़े ज़्यादा डालते यार, 45 कर देते हैं, हाँ ये रहा। ओके गाइस यहाँ पे हमने 45 वायर्स डाल दिए हैं। अब जनरेटर तो इधर हो गया गाइस, अब हमें जाना होगा इस साइड, ये देखो ये सिटी यार, फैक्ट्री तो यार क्या ही बोलूँ इस फैक्ट्री की भाई, कुछ नहीं कर सकते भाई। देख रहे कितना गंदा गंदा डैमेज दे रहा है, आधा कर दे रहा पूरी हेल्थ को यार, सच में यार काफ़ी इसने कम कर दी अपनी हेल्थ। चलो अभी हम सीधा रूम की ओर जाते गए, जिधर 02 भाई जा रहे उधर ही रूम है। तो ये रहा अपना रूम, देख सकते हो जो कि आपका पर्पल नहीं है भाई, ब्लू है। मुझे पहले ही लग गया था भाई ब्लू होकर, क्योंकि वहाँ पे अपने को ग्रीन मिला था। आओ भाई लार्ज फर्नेस मिल गया, सही है भाई, चलो ठीक है जल्दी जल्दी तोड़ते गाइस क्योंकि अपना लेवल 9। ओ भाई थोड़ा सा और एक दो सप्लाई चेस्ट और तोड़ लेना गाइस तो शायद लेवल 10 हो ही जाएगा लगभग। कोई ना गाइस अभी अपना लेवल हम बाद में बढ़ा लेंगे, और यहाँ से अभी फटाफट से निकलते हैं क्योंकि अभी ग्रुप ई में है, अभी दूसरे बंदे आ जाएंगे यार M4 वगैरह ले गए तो मतलब बेकार के कहीं मर मर आ गए तो भाई सारा सामान अपना चला जाएगा। तो उससे बढ़िया अभी यहाँ से निकलते लास्ट फर्नेस वगैरह ले के। अब देख सकते हो गाइस मतलब काफ़ी मतलब मज़ेदार एरिया है भाई यहाँ पर लूट पाट करने के लिए। और आप में से कौन कौन भाई लोग है गाइस जो कि रश्ट खेलते हो तो यार मेरे को बताना यार कि रश्ट कैसे खेलते हैं। मैंने उसको भाई तो कर लिया यार, लेकिन फ़िलहाल मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा यार, मैं तो उसमें उठ ही नहीं पा रहा था। मतलब अभी फ़िलहाल मैंने दोबारा ट्राई नहीं करा, अभी इंस्टॉल करा था, उस समय मेरे को जल्दी जल्दी कहीं जाना था तो मैं उसमें उठने का ट्राई करा, वो बंदा बेचारा सोया है तो सोया ही रह गया, मैं उसको फिर वहीं पर गेम कट करके भाग गया भाई अपने काम पे। तो फिलहाल मैं उसको छोड़ दिया उस गेम को। तो आप में से ज़रूर भाई लोगों मैसेज करना कि मतलब कौन कौन भाई लोगों जो कि रश्ट खेलते हो। तो फाइनली अब हम यहाँ से एस्केप कर चुके हैं, यहाँ से हम दोनों रूम कर लिया बहुत ही अच्छे से,
और फिलहाल हम यहाँ से एस्केप कर लिए। अंदर में जो हमने एमओ चेस्ट छोड़ दिया था गाइस, तो मैं सोचा क्यों ना उसको भी लूटता ही चलो, क्योंकि उस समय वो एमओ चेस्ट स्पॉन नहीं हुआ था। तो अभी देख लेते एक बार हुआ, ओ भाई हो गया, तो चलो हम उससे थोड़ी सी जंप लेते। एक हार्वर पर ड्रॉप भी आ गया, चलो अरे सेट यार मैं नीचे गिर गया, अगर नीचे नहीं गिरता ना यार तो मैं लूट ही लेता। चलो इन सारे जॉम्बी को मार के लेवल 10 कर लेता हूँ यार, सही रहेगा। ओ भाई चलो फाइनली अपने लेवल यहाँ पे देख सकते हो 10 हो चुका है, जैसा कि हमने सोचा था यार कि अपने को लेवल 10 किए बिना तो यहाँ से जाना ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आपके भाई का लेवल 10 हो चुका है भाई, मज़ा आ गया यार भाई। मतलब इससे अगर आप लेवल 15 कर लेते हो ना अभी, जैसे कि पहले जब ओल्ड मैप था तो उस समय मज़ा ज़्यादा आता। ओ भाई ड्रॉप के यहाँ पे एक बुलेट मिली है, कोई ना गाइस मैं एक चीज़ बताऊँ, जब आप लेवल पहले 15 करते थे तो आपकी हेल्थ की जो है वो बढ़ती जाती थी। अभी भी है गाइस कि अगर आप लेवल 15 करते हो तो आपकी हेल्थ 150+ चली जाती है, ठीक है। तो आप लेवल 15 जरूर से क्या करो, इससे आपकी हेल्थ बढ़ जाती है। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, तो वीडियो को मैं अगर मज़ा आया गाइस और मतलब पसंद कर रही है तो जल्दी से लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस अपने बैग में बहुत सारी फालतू चीज़ें पड़ी हुई, तो मैं इन सबको खाली कर दिया, जो कि अगर ये 02 भाई उठा लें तो ठीक है, आई थिंक इनका भी बैग फुल हो चुका है। फिलहाल हम इसको अपने बेस पर लेके जाते हैं। और अपनी जिप्सी कहाँ गई भाई, जिप्सी किधर चली गई, हमने तो अपनी कार को शायद इधर ही कहीं पार्क करा था, वो पार्क नहीं करा था भाई, फेंक दिया। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।